नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा, आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये चैप्टर काफी बड़ा था, इसलिए हमने इस चैप्टर को दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 का वीडियो कल ठीक 1 बजे लेकर के आए थे एंड पार्ट 2 का वीडियो आज इस टाइम आप अभी देख रहे हैं। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने भूमि और मृदा के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली थी। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले जल, फिर प्राकृतिक वनस्पति और फिर वन्य जीवन संसाधन के बारे में, इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 का वीडियो दे दिया, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं उन टॉपिक को वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर आकर के दोबारा वो टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे। हम एक बार रिवाइज कर लेंगे पार्ट 1 को यहां पर, बट वो टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, तो जिनको ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है। उस प्लेलिस्ट पर इनके माध्यम से आप सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीन की क्लासेस चल रही हैं, तीनों की हमने प्लेलिस्ट दे दी है। चलिए, और हां देखिए, इस चैप्टर को पहले मैं स्टार्ट करें, आपको बता दें जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, बाद में लोग कमेंट करते हैं, तो नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। दो माध्यम हमने नोट्स के लिए उपलब्ध करवा दिए, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के हमने लिंक दी है, जिस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर सकते हो। जो आप ईमेल लगाओगे आपके ईमेल पर नोट्स जाएंगे। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। जिन लोगों को नोट्स लेने हैं अभी के भी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज लिंक के माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। बट याद रखना, नोट्स फ्री नहीं है, नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। हमारी क्लासेस फ्री में आती हैं, नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार देखते हैं। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले भूमि के बारे में डिस्कस किया था, भूमि कितने मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर, कितने परसेंट एरिया में हम लोग रहते हैं, कितनी हमारे लिए उपयुक्त है, ठीक है। भूमि के प्रकारों को भी हमने यहां पर डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने भूमि के उपयोग को यहां पर डिस्कस किया, कृषि है, वानिकी है, खनन है, उद्योग गए, सड़कों के लिए, घर बनाने के लिए और भी कई सारे कामों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। अच्छा, भूमि उपयोग की वजह से भूमि की जो गुणवत्ता में कमी आती है उसको भी हमने यहां पर डिस्कस किया कि हम भूमि का लगातार उपयोग करते जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, तो उसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। निम्नीकरण है, भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण होता है, इन सभी चीजों को हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किया, काफी टाइम लगा था। भूमि संसाधन का संरक्षण, अच्छा जैसे भूमि का निम्नीकरण हो गया, निम्नीकरण का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ है फिर किसी भी वस्तु की गुणवत्ता में कमी आना, तो उसे निम्नीकरण कहा जाता है। तो भूमि की जब निम्नीकरण हो जाता है तो इसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो उसके भी हमने उपायों के यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा, और मृदा का निर्माण कैसे होता है। इस डायग्राम के माध्यम से समझा था कि सबसे पहले जनक चट्टानें होती हैं, जनक चट्टानों से अपक्षयी चट्टानी पदार्थ बनते हैं और इन पदार्थों से बालू, क्ले, गाद वगैरह बनती है और उसके ऊपर फिर ह्यूमस और वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा बनती है जो कि उपजाऊ होती है। ह्यूमस सड़े गले जैविक जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जैविक पदार्थों को कहा जाता है, तो वही ह्यूमस होते हैं, ठीक है। तो इनकी सहायता से मिट्टी का निर्माण होता है, डिटेल में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अच्छा, मिट्टी को आप जब भी देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। कहीं पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, कहीं पर लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, कहीं पर दोमट मिलेगी, कहीं पर जलोढ़ मिलेगी, कहीं पर बजरी मिट्टी मिलेगी। तो हमें 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में जानकारी है। तो मिट्टी जो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, इसके पीछे ये 5 कारक कार्य करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मिट्टी के निर्माण में ये 5 कारक कार्य करते हैं और इन्हीं 5 कारकों की वजह से मिट्टी के अलग अलग रंग, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग गठन होते हैं, ठीक है। अलग अलग रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया था कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 कारक, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण अर्थात मिट्टी की जो गुणवत्ता में कमी आती है वो क्यों आती है, उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर निम्नीकरण डिस्कस किया, फिर मृदा
संरक्षण की कुछ विधियां यहाँ पर डिस्कस की, जैसे कि मल्च बनाना, वेदिका फार्म बनाना, समोच्च रेखी जुताई हो गया, समोच्च रेखी रोधिकाएं हो गया, रक्षक मेखलाएं हैं, चट्टान बांध है, बीज की फसल उगाना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद में हमने देखा कई बार भूस्खलन बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो भूस्खलन क्यों होते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा भूस्खलन से क्या क्या हानियाँ होती हैं और भूस्खलन को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, न्यूनीकरण क्रियाविधि, ठीक है, इसके उपाय क्या क्या हैं कि भूस्खलन को हम कम कर सकें, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और यहीं पर आपका पार्ट वन कंप्लीट हो जाता है, पार्ट टू आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आज के इस पार्ट में यानी पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे जल को, ठीक है, जल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए। वैसे क्लास 7 के एनसीईआरटी में जल नाम का एक चैप्टर था जिसमें हमने जल को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो जो हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, हम वो चीज़ें यहाँ पर बहुत गहराई से नहीं समझेंगे, टू द फैक्चुअल जो जानकारी दी गई है उन्हें समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर जल उपलब्धता की जो समस्याएँ हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में अगर आप देखो तो जल की कमी की भारी किल्लत आपको देखने को मिलती है, तो जल उपलब्धता की समस्याएँ। फिर जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है ये यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है, इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा पार्ट होने वाला है, लगभग एक घंटे की क्लास होगी, तो अगर आप लोगों ने खाना पीना नहीं खाया है तो काफ़ी लीजिएगा और उसी के साथ में हमारी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको बताते चलेंगे, नोट कर लेना। तो इसमें कहा जा रहा है सबसे पहले जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। दो पॉइंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सबसे पहला नवीकरणीय, अर्थात ये बहुत जल्दी पूरित हो जाता है, अगर आप जल को समाप्त करोगे तो ये धीरे 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 क्या होगा, बहुत जल्दी पुनः जल आ जाएगा। अच्छा, नवीकरणीय क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं कि भाई आपके पास में एक बाल्टी जल था, आपने उस जल का प्रयोग किया, ठीक है, कुछ बल्ब जल जो था वो बाष्पित हो गया, जलवाष्प बन करके उड़ गया और कुछ जल आपने नाली में बहा दिया। अब नाली से बहकर नाले में जाएगी, कहाँ पर, नाले में जाएगी, नाले से नदी में जाएगी, नदी में जाएगा पानी वो, और नदी से समुद्र में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, समुद्र में जाएगा, ठीक है। पानी देखो, ना ही पानी को आप नष्ट कर सकते हो और ना ही जल का आप निर्माण कर सकते हो। जल को आप गर्म करोगे वो जलवाष्प बन जाएगा, बहा दोगे नाली के माध्यम से या नीचे चलाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, मिट्टी में पानी को डाल देते हैं, मिट्टी पानी को काफ़ी मात्रा में सोख लेती है, ठीक है, और कई बार मिट्टी में जो हम पानी डालते हैं वो भाप बन करके उड़ जाता है, ठीक है। हमने मान लेते हैं कि नाली में डाला, नाली से नाले में गया, नाले से नदी में गया, नदी से समुद्र में गया। अब समुद्र में वो जलवाष्प बनेगा और जलवाष्प बनकर के बादल बनेंगे, फिर बादल बनकर के आएंगे और पुनः आपके यहां पर बरसेंगे। अब वो अलग अलग जगह पर जाकर बरसते हैं, ये मत समझना कि आपका ही जल आपके यहां पर आएगा, हो सकता है अमेरिका का जल आज आपके यहां बरस रहा हो, आपका जल पाकिस्तान में जाकर बरस रहा हो, ठीक है, पाकिस्तान का नेपाल में आकर बरस रहा हो। तो ये जल जो होता है इसे जल चक्र हम लोग कहते हैं। तो जो जल है ये एक नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है, ये इसे हम इसका हम निर्माण नहीं कर सकते, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो 3/4 भाग में आपको जल देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त होगा, यानी हमारी पृथ्वी जो है इसे जलग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, जलग्रह कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल काफी पाया जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, हर तरफ जल ही जल था, जल से ही जीवन की शुरुआत हुई थी, याद रखता है, कितने साल पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है, कहां से, महासागरों से जीवन की शुरुआत हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, अगर आज आप देखोगे तो महासागर पृथ्वी के 2/3 भाग पर देखने को मिल जाएंगे, 2/3 यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 70% एरिया, ठीक है, हाँ 70% एरिया ही होगा, लगभग 2/3 भाग को ढके हुए हैं। और विविध प्रकार के पौधे, अगर आप जल समुद्र में देखोगे तो समुद्र की गहराई में आपको विभिन्न प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं और जंतुओं को मदद करते हैं, जंतु भी आपको समुद्र में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जितने पृथ्वी पर भूभाग में जंतु पाए जाते हैं इससे कई ज़्यादा वैरायटी के जंतु आपको मिल जाएंगे समुद्र के अंदर।
और समुद्र की सबसे गहराई तक तो अभी कोई गया ही नहीं है। वहाँ पर तो बोलते हैं कि बहुत भयंकर, बहुत ही खतरनाक जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो समुद्र में आज भी जीवन है, ठीक है, महासागरों में आज भी जीवन है, महासागरों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। महासागरों का जो जल है वो लवणीय है। चैप्टर नंबर शायद 3 या 4 था, हमने 3 या 4 चैप्टर में क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि किसी भी जल की लवणता को कैसे ज्ञात किया जाए, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। आप हमें आज कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसी भी जल की लवणता को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो महासागरों का जो जल है वो लवणीय होता है और मानवीय उपभोग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इस जल को पिए तो क्या होगा, लगातार पिए तो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलवर जल जो हमारे पास उपलब्ध है वो केवल 2.7% ही है। पूरी पृथ्वी पर जो अलवण जल है वो केवल 2.7% है, बाकी आपका 97.3% जल जो है ये लवणीय जल पाया जाता है महासागरों इत्यादि में। अब जो 2.7% जल है इसका भी 70% भाग बर्फ की चादरों में और हिमानियों में, ठीक है, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर पाया, जैसे कि आप हमारे हिमालय पर्वत में देखते हो ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन में ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियरों के रूप में, हिमानियों के रूप में, बर्फ की चादरों के रूप में, इस 2.7% जल का 70% जल, ठीक है, पाया जाता है कहाँ पर, बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अब भाई जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, हम एक गिलास पानी के लिए वहाँ तो जाएंगे नहीं, या वहाँ से सारा जल लेकर के यहाँ पर आ नहीं सकते, ठीक है, तो ये हमारे लिए पहुंच से बाहर हैं। केवल 1% अलवर जल ही उपलब्ध है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। अब जो 1% जल है ये कहाँ पर पाया जाता है, ऐसा नहीं कि 1% जल केवल एक ही स्थान पर है, ये जल भी विभिन्न इलाकों में, विभिन्न जगहों पर पाया जाए, जैसे कि भौम जल के रूप में, हम कहते हैं पाताल वाला पानी, हम समर सेविल लगा करके या पंपिंग सेट तो नहीं चलते हैं, ट्यूबवेल लगा करके, बोरवेल लगा करके इस भौम जल को निकालते हैं। दूसरा नदियों में पाया जाता है। अच्छा, नदियों का जल आजकल बहुत प्रदूषित हो चुका है, तो हम ये कह भी नहीं सकते कि भाई नदियों का जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, नदियों का जल बिना फिल्टर किए उपयोग नहीं कर सकते। फिर झीलों में पाया जाता है और पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक जल पाया जाता है अगर हम बात करें, ठीक है, फिर नदियों में भी है और भौम जल के रूप में भी पाया जाता है। तो 1% जल जो है ये भी कितनी जगहों पर है आप देख सकते हैं। आप अगर एग्जाम में लिखने जा रहे हो तो ये एग्जैक्ट पूरा उठाकर ऐसा ही लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई जो जल है अलवर जल के बारे में, तो आप ऐसा लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अलवणीय जल जो है, यानी जिस जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। जिस जल का हम प्रयोग इतनी बुरी तरह से करते हैं, नहाने बैठ गए तो 4 बाल्टी से कम में नहाएंगे नहीं गर्मी के टाइम पर, ठीक है, और पानी पीने जा रहे हैं तो भाई पानी पिएंगे आधा फैलाएंगे, बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं घर पर तो आप देखो कितना पानी बर्बाद किया जाता है, कपड़े धोते हैं कितना पानी बर्बाद करते हैं। यही जल हमारी पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है, ये बात याद रखना, ठीक है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही इसे घटाया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। जल को ना ही आप नष्ट कर सकते हो और ना ही आप जल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह से। इसकी कुल मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, यानी जो इतना अधिक जल पाया जाता है तो जल में विविधता हमें देखने को मिलती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का जल में देखने को मिलता है, क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण और वाह यानी कि बहने की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर ये निरंतर गतिशील रहता है। इसे जलचक्र कहते हैं। किसे कहते हैं जलचक्र? अभी हमने आपको जलचक्र बताया था, पानी आपके यहाँ पर नदी में भरा हुआ है, नदी में पानी जो था वो जलवाष्प बनकर के ऊपर उड़ने लगा, ठीक है, ऊपर जाकर ये बादल बन गए, ठीक है, बादल बन गए, यहाँ से जाकर के यहाँ पर बरस गया, नदी का जल बहकर के गया, ये समुद्र था, समुद्र में मिल गया, समुद्र से जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ा, ये बादल बन गए, बादल बनकर के आकर के यहाँ पर बरस गए। तो इस तरह से जो जल है ये धीरे 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 धीरे, अब आप यहाँ पर बरसा, आपने इसका उपयोग किया, फिर बहकर के नदी में मिल गया, फिर नदी बहकर के गई समुद्र में। तो इस तरह से जो जल है, जल चक्र ये चलता रहता है, ठीक है, जल चक्र चलता रहता है। हम जल को ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही जल को हम बना सकते हैं, ठीक है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल
कि आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग तथा नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ यह है जो जल के स्रोत जो सूखते जा रहे हैं, जो आज हम जल की कमी का महसूस कर रहे हैं, जल की जो हमें कमी देखने को मिलती है, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। अथवा जो जल प्रदूषण है, ठीक है, सबसे पहला तो ये कि जल के जो स्रोत सूख रहे हैं या फिर जो जल प्रदूषित हो रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है। तो अब पहला रीज़न नोट कीजिएगा कि भाई पहला रीज़न इसका है बढ़ती जनसंख्या। क्या है मुख्य कारक, क्या क्या हैं? अलवरीय जल की आपूर्ति में जो कमी होती जा रही है, शहरों में अगर आप देखोगे तो डब्बा डब्बा में पानी खरीद के लाते हैं पीने के लिए, हर घर की ये कहानी हो चुकी है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी जल उतना अधिक प्रदूषित होगा, क्योंकि हर इंसान जल का प्रयोग करेगा, और इसके अलावा जल की कमी उतनी ही हमें महसूस भी होगी। दूसरा है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, ठीक है। अब अगर भोजन की मांग बढ़ेगी तो हमें क्या करना होगा, हमें फसलें उगानी होगी। अब आप कह दोगे हम नॉनवेज खा लेंगे, तो एक फसल के उगने में जितना पानी लगता है उससे कहीं अधिक पानी लगता है एक जानवर को तैयार होने में जब उसे आप खाएंगे, ठीक है। एक जानवर को तैयार होने में उससे ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि वो जानवर फसल खाकर बड़ा होगा। दाना खाएगा कि नहीं खाएगा, ठीक है। लोग कहते हैं हम नॉनवेज खा करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। नॉनवेज जिसे आप खाओगे, जैसे कि आप मुर्गा खाने जा रहे हो, तो मुर्गा कोई ऊपर से टपक के नीचे आ जाएगा, वो भी तो भोजन खाकर ही बड़ा होगा, और उसी भोजन को आप खा लो अगर तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की मांग बढ़ेगी, भोजन की मांग बढ़ेगी तो हमें फसलें अधिक उगानी पड़ेंगी, और फसलें अधिक उगानी पड़ेंगी तो फसलों में पानी अधिक लगेगा, इस वजह से पानी की कमी महसूस होगी। इसके अलावा बढ़ता नगरीकरण, जो नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, जीवन जितना अधिक सुलभ अपना आसान बनाते जा रहे हैं, तो पानी का भी उपयोग में उतना ही अधिक करना पड़ रहा है। अब आप कहोगे कैसे, आपने जैसे कि अभी आपके पास ना ही कार थी ना ही बाइक थी, आपके पास दो जोड़ी कपड़े थे, आपका कच्चा घर था, आप घर में झाड़ू लगा लेते थे, दो जोड़ी कपड़े धुल लेते थे, पैदल चलते थे। पानी का प्रयोग आपको पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, दो जोड़ी कपड़े धुलने के लिए, और इसके अलावा खाना बनाने के लिए चाहिए था। लेकिन अब आप अमीर हो गए, आपने महानगर में आकर अपना घर बना लिया, तो आपको अपना घर धुलने के लिए पानी चाहिए। अब आपके पास काफी सारे कपड़े होंगे तो सारे कपड़े धुलने के लिए पानी चाहिए। अब आप जो भोजन बनाओगे वो भी स्वादिष्ट खाओगे, और काफी अधिक भोजन बनाओगे तो उस भोजन को पकाने के लिए, उस भोजन को धुलने के लिए पानी चाहिए। अब आपके पास गाड़ियां भी होंगी तो गाड़ियां धुलने के लिए पानी चाहिए। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है, जैसे जैसे जीवन का स्तर बढ़ता जाता है, ठीक है, अच्छा होता जाता है, पानी की उपयोगिता उतनी ही बढ़ती जाती है, और इस वजह से जल प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, और इसी वजह से जल के जो स्रोत हैं धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं। तो जितना भी अगर आप कारण देखोगे इसके पीछे का, जल प्रदूषण के कारण, तो सबसे बड़ा कारण जो मेन रीजन मिलेगा वो बढ़ती जनसंख्या ही है, ठीक है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अगर आप कारक के लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, सबसे पहला बढ़ती जनसंख्या, दूसरा नगरीकरण, तीसरा जो बढ़ती मांग, ठीक है, जल की बढ़ती मांग लिख लीजिएगा, और आप चौथा लिख लीजिएगा भोजन और कृषि, ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बढ़ती मांग हो गया, भोजन और नकदी फसलें हो गया, ठीक है, ये भोजन और कृषि हो गया। देखो मांग बढ़ती, जल की बढ़ती मांग भी होगा यहाँ पर, और फसलों की बढ़ती मांग भी होगा, दोनों, ठीक है। इसके अलावा बढ़ता नगरीकरण और बेहतर हुआ जीवन स्तर, सारे के सारे आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे बढ़ते, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की जो खपत थी, मतलब जितना हम सभी मानव मिलकर के जल का उपयोग कर लेते थे एक वर्ष में, वो था 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष, इतना जल का हम प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन वही मात्र 25 सालों में बढ़ करके सन 2000 में अगर आप देखोगे तो 3850 घन किलोमीटर से 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया, ठीक है। इतनी अधिक जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, अब 2000 से 2023 के बीच में अगर आप देखोगे तो इसका डबल हो गया होगा। अभी आंकड़ा इसका मतलब एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, और जब आंकड़ा नहीं दिया गया तो मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जल की मांग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है कितनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अगर आप एक टपकते नल में देखोगे, एक वर्ष तक अगर एक एक बूंद पानी टपकता है एक नल में, तो 1200 लीटर जल वो व्यर्थ कर देता है,
और एक जो टंकी आपके यहाँ पर छत पर रखी है उसमें मात्र 100 लीटर पानी आता है। कितना? 100 लीटर पानी आता है। 100 लीटर पानी की टंकी अधिकतर रखवाई जाती है। हो सकता है आपकी आपके यहाँ पर बड़ी टंकी रखी हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो मतलब इस तरह से अगर आप पानी को देखोगे तो पानी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जल उपलब्धता की समस्याएँ क्या क्या हैं। जल उपलब्धता की समस्याएँ देखते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी महसूस हो रही है। अधिकांश अगर आप प्रदेश देखोगे, अधिकांश देखो, सबसे पहला मिलता है आपको अफ्रीका। अफ्रीका में जल की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है। फिर आपको मिलता है पश्चिमी एशिया। हमारा जो पश्चिमी एशिया है, अगर आप पश्चिम वाला भाग देखते हो पश्चिमी एशिया, तो अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भारत देश जो है कुछ इस तरह से, नीचे से ये आपका पूर्वी इलाका है, ये आपका पश्चिमी इलाका है। तो जो पश्चिमी एशिया में आप जाओगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे, तो पश्चिमी एशिया वाला जो इलाका आपको मिलता है वहां पर जल की किल्लत आपको देखने को मिलती है। और अगर आप हमारे यहां पर रेगिस्तानी इलाका देखोगे, भारत में पाया जाता है, तो वो भी पश्चिम में ही पाया जाता है, ठीक है, ये बातें आप याद रखना। इसके अलावा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर भी जल की किल्लत देखने को मिलती है, ठीक है, इसका भाग भी है। उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। तो कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अलवणीय जल उपलब्ध ही नहीं है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम जल पाया जाता है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता है। अच्छा, अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो हर साल जो बारिश होती थी पहले, अब वो उतनी बारिश नहीं होती है, अब उतनी बारिश नहीं होती है। हाँ, आप कहोगे कि भाई सर बारिश नहीं होती तो ये बाढ़ कहाँ से आ जाती है? ये डैम में जो पानी भरा होता है उसे छोड़ा जाता है। अगर उस पानी को नहीं छोड़ेंगे तो डैम फूट जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, इसलिए पानी को छोड़ा जाता है ताकि डैम टूटे ना, ठीक है, और उसी पानी की वजह से अलग अलग इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में कई सारी झीलें बन गई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने रील्स वगैरह बनाई थी, तो वो डैम से ही पानी छोड़ा गया था, तभी ऐसा हुआ था, ठीक है। हाँ, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर अगर आप देखोगे तो ऐसी जलवायु वहां की हो गई कि वहां पर अक्सर सूखा पड़ जाता है। अब भारत में भी कई सारे ऐसे इलाके आपको देखने को मिलते हैं जहां पर पानी बहुत कम बरसता है। आज नहीं, लगभग 20 सालों के बाद में सूखा पड़ने वाला है अगर यही स्थिति रही तो, ठीक है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। कहां पर? इन देशों में, ठीक है, कई सारे जलवायु प्रदेश ऐसे जहां पर इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप होता है। सबसे पहला जल का अभाव क्यों होता है? सबसे पहला इसका रीजन है मौसमी, मौसम के अनुसार बारिश ना होना, ठीक है। और देखो, बारिश ना होना और कई कई इलाकों पर बरसात नहीं आती, तो वहाँ पर जो अलग अलग टाइम पे बारिश होती है, बारिश का ना होना आप कह सकते हो, अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता। वर्ष में जितना जल बरसना चाहिए, जितना पानी की बरसात होनी चाहिए, उतनी अगर बरसात नहीं होती तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जल का अभाव महसूस हमें होता है, ठीक है। अथवा अति उपयोग, अगर हम जल का बहुत अधिक उपयोग करेंगे, ठीक है, और जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल का अभाव हो सकता है। मतलब जल का हम दुरुपयोग करने लगे, ठीक है, जल को हम बहुत अधिक प्रदूषित करने लगे, तो इसकी वजह से जल का अभाव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, यह भी प्रश्न बनता है। एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना बनी रहती है, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझना ताकि आप बिना याद करे लिख सके, ठीक है। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, हम मानते हैं कि हाँ भाई जल पुनः पूरित हो जाता है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि लेकिन इसके बाद भी इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अर्थात किसी भी चीज़ का अगर हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है, और उसका अगर हम गलत उपयोग करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, अनुपयुक्त हो जाता है। जैसे कि भाई आप देखोगे आपके घर पर अगर कोई नौकर है, काम कर रहा है, ठीक है, उससे अगर आप सीमा के अंदर काम लोगे, ठीक है, अगर आप उससे उसकी क्षमता के अनुसार काम लोगे तो वो काम करता रहेगा। अगर आप उससे उसकी सीमा से ज़्यादा काम लोगे, आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको 500 रुपये दे रहे हैं और 700 का काम लें, तो वो 4 दिन के अंदर बीमार पड़ जाएगा और निकल लेगा वहाँ से। इसी तरह से जल भी है, जल का उपयोग हमें उतना करना चाहिए जितनी आवश्यकता है, और आवश्यकता से अधिक जब हम उपयोग करने लगते हैं, अति उपयोग, और उसको जब हम प्रदूषित करने लगते हैं, अच्छा जल प्रदूषण कैसे फैलता है इसको भी हम आगे समझेंगे, प्रदूषण करने लगते हैं तो इससे क्या होता है, जल जो है धीरे धीरे ये प्रदूषित हो जाता है और ये हमारे लिए अनुपयुक्त बना देता है, अनुपयुक्त बना देता है, ठीक है। देखो, जैसे कि अशोधित और या फिर आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, होता क्या है, कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर जल का प्रयोग किया जाता है और जल का प्रयोग करते करते वहाँ पर वो जल को गंदा कर देते हैं, काफ़ी अधिक प्रदूषित
विकसित हो जाता है। मैं आपको एक शुगर मील, चीनी जिसे आप खाते हो, उसकी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे एक वीडियो देखना पड़ा था, तब मैंने देखा था कि शुगर की वजह से जो चीनी बनती है, ठीक है, ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। एक व्यक्ति थे जो कि उन्होंने अपनी रियल स्टोरी बताई थी। एक व्यक्ति थे जो चीनी मिल में काम करते थे, नई नई चीनी मिल फैक्ट्री में गए थे, वहाँ से जो चीनी का प्रदूषित पानी निकलता है उसे नष्ट करने का या फिर उसे बाहर नदी में मिलाने का, कहीं पर फेंकने का उनके पास में कोई भी इंतजाम नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक टैंक में पानी भर लिया, ठीक है, सारा का सारा, और उन्होंने कहा कि भाई अब इसका क्या किया जाए। तो मालिक ने कहा कि आप इसको किसी खेत में डाल देना जा करके, जब रात बिरात में खेत का मालिक ना हो, कोई ना देखे, डाल देना। रात में वो एक टैंक पानी ले जा करके खेत में डाल दिया जाता है, ठीक है, डाल दिया जाता है। तो सुबह वहाँ पर पानी देखा जाता है तो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पानी ही तो डाला गया है, ठीक है, ये पानी बना रहेगा। लेकिन होता क्या है कि वो खेत बंजर हो जाता है, उसमें इतने भयानक केमिकल मिले थे उस पानी में कि वो खेत बंजर हो जाता है। फिर खेत मालिक उस मिट्टी की जांच करवाता है तो वहाँ पर मिट्टी की जांच होने पर पता चलता है कि इसमें फसल कभी हो ही नहीं सकती, इतने खतरनाक केमिकल इसमें मिल चुके हैं। फिर वो उस चीनी मिल के ऊपर केस करता है और फिर वो केस जीतता है। जीतने के बाद में उसे पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाता है और वो चीनी मिल के मालिक जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी वो कहते हैं कि मैंने उस दिन से चीनी को खाना ही छोड़ दिया, शुगर को खाना ही छोड़ दिया। तो फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो पानी है उसमें जो केमिकल होते हैं वो इतने अधिक खतरनाक होते हैं कि वो मिट्टी को बंजर कर सकते हैं। फिर आप जरा सोचो, वो पानी जिसे आप पी रहे हो अगर वो प्रदूषित है, उसमें वो पानी मिलाकर आपको पिलाया जाए तो कितना खतरनाक होगा। तो फैक्ट्रियों से और घरों से भी, जैसे कि हम कई बार कपड़े धुलते हैं तो काफ़ी अधिक साबुन का प्रयोग करते हैं, काफ़ी अधिक हम नहाते हैं तो साबुन का प्रयोग करते हैं, बर्तन भी धुलेंगे तो साबुन का प्रयोग करेंगे, मजबूरी है हमारे यहाँ करना ही पड़ेगा। तो वो जो पानी निकल कर जाता है नदियों में मिलता है तो अशोधित और आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, यही गंदा पानी, ठीक है। कृषि रसायनों का विसर्जन, हम लोग क्या करते हैं खेतों में दवाइयां डालते हैं, ठीक है, अब वो दवाइयां उड़के कहीं नहीं चली जाती, वो खेतों में ही रहती हैं, ठीक है। अब वहाँ से पानी बहकर निकलता है तो वो उन दवाइयों को अपने पानी अपने अंदर समेट लेता है, वो वाला पानी, ठीक है। और जल निकायों में औद्योगिक वही शराब जल के प्रमुख संदूक, हाँ वही फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जल होता है गंदा, ये प्रमुख संदूषक हैं जो कि पानी को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं, पीड़ानाशी दवाइयां, ठीक है, पीड़कनाशी दवाइयां जल को प्रदूषित कर देती हैं और इस जल का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो दवाइयां हैं ये जल को प्रदूषित करती हैं। अब जैसे मैंने आपको एक शुगर फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल दिया, उससे आप समझ सकते हो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी कितना खतरनाक होता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। अच्छा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी डायरेक्टली नदी में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि नहीं छोड़ दिया जाता, उनको अगर शोधित ना किया जाए, ठीक है, शोधित ना किया जाए यानी कि उसको शुद्ध ना किया जाए। कई बार होता है कि अब तो गवर्नमेंट ने एक रूल लेकर के आए कि उस पानी को साफ किए बिना आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उस पानी को साफ करके आप पुनः प्रयोग कीजिएगा और साफ करने के बाद ही उसको आप नदियों में डालोगे। लेकिन फैक्ट्री वाले करते क्या है, उसे गंदा पानी ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको मतलब शोधित नहीं करेंगे और उसमें रासायनिक पदार्थ बने रहेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, ये जल मानव शरीर में पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, अब किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं, ठीक है, नदी के माध्यम से पहुंचते हैं और भी कई सारे माध्यम होते हैं, मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बाह्य स्राव का उपयुक्त वही स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके, मतलब जो गवर्नमेंट ने विधि बताई है कि इस पानी को आप क्लीन करोगे, इसके केमिकल्स को ख़त्म करोगे, इसके बाद में ही इसे छोड़ोगे, तो उसका प्रयोग करके जल संदूषक नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल, नालों से निकलने वाला गंदा जल जो है, इसको अगर हम क्लीन करके नदी में छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। इसी के माध्यम से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मानव के लिए बहुत हानिकारक। हाँ, एक एग्जाम्पल
मैं आपको और देता हूँ। अभी आप देखते हो दिल्ली से जो पानी निकलता है, ठीक है, गंदा पानी, उसने यमुना नदी को कितने भयंकर तरीके से गंदा कर दिया है। वहाँ पर यमुना नदी के किनारे जो आसपास के गांव हैं, वहाँ पर जो फसल की जाती है, अगर आप देखोगे तो उस फसल में बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। उन फसलों से जो फल प्राप्त होते हैं, जो अनाज प्राप्त होता है, उसमें देखी गई हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो आया था मीडिया की तरफ से, मैं देख रहा था, एक न्यूज़ रिपोर्टर गए थे वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। उन्होंने रिपोर्टिंग की नदी के आसपास जो खेत थे, जो ट्यूबवेल से पानी, जो ज़मीन के अंदर वाला पानी निकाल कर लगाते थे खेत में, उनकी फसलों के कलर अलग थे, और जो उस नदी का पानी प्रयोग करके फसलों की सिंचाई करते थे, उनकी फसल का कलर अलग था, बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। नदी का पानी पीने वाले जो जानवर थे वो बांझ बन गए थे, वो भैंस, वो गाय दोबारा बच्चे देने लायक नहीं रह गई थी, ठीक है, वो बच्चे देने लायक रह नहीं गई थी, वो बीमार पड़ जाती थी, इतना गंदा पानी है। अच्छा, जो फसल उगाई जाती है उस पानी के माध्यम से, वो फसल दोबारा दिल्ली के ही लोगों के पास में पहुँचती है। दिल्ली वाले प्रदूषण नदी के माध्यम से गाँव वालों तक पहुँचाते हैं, गांव वाले उसी प्रदूषण का प्रयोग करके फसल उगाते हैं, और वो फसल पुनः दिल्ली वालों की टेबल पर पहुंचा देते हैं। उन गांव में लोग शादी करने के लिए नहीं जाते हैं कि हमारी बेटी यहां पर आएगी, वो ये गंदा पानी पिएगी, बीमार पड़ेगी। उस गांव में हम वहां पर जांच करने के लिए गए थे, अब तो वीडियो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, डिलीट करवा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उस गांव के लोग बोलते ही नहीं थे मीडिया के सामने आकर, क्योंकि अगर उसकी बात आसपास पहुंच जाएगी तो लोग वहां पर शादी करने के लिए नहीं जाते थे। वहां पर 30% लोगों को कैंसर था, 30% लोगों को उस गांव में, मैंने एक ही वीडियो देखा, मैं कभी वहां पर गया नहीं, बट मैंने वो वीडियो देखा, इसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें जल प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए, जो भी पानी हम छोड़ें उसे शुद्ध करके छोड़ें, उसके केमिकल को मार के छोड़ें, ठीक है। आगे बढ़ते, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद कर देते हैं, जैसे कि भाई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी जो बहेगा, ठीक है, उसको उसकी गति को कम कर देते हैं। घास है, अब आप घास के ऊपर से पानी बहाओ तो उसका उसकी जो रफ्तार होगी वो कम होगी, ठीक है, और आप डायरेक्ट चिकनी फर्श पे पानी बहाओ तो उसकी रफ्तार तेज होगी। तो वन और अन्य वनस्पतियां जो होती हैं, वनस्पतियों के आवरण जो होते हैं, धरातलीय प्रभाव यानी कि धरती पर बहने वाला जो पानी है उसको, उसकी गति को धीमा कर देते हैं, ठीक है, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, यानी जब अगर पानी धीरे धीरे बहेगा तो पानी, मिट्टी जो होगी, जमीन जो होगी, वो पानी को सोखेगी और भूमिगत जल वो पुनः पूरित होगा, जमीन के नीचे पानी जाएगा। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक है, जल का संग्रह किया जाए, इससे पृष्ठीय प्रवाह यानी कि जो जमीन पर बहकर पानी चला जाता है, इससे मिट्टी भी बह जाती है, इसको रोकने का, इसको बचाने का सबसे दूसरी विधि है कौन सी, ये जल का संग्रहण करना, ठीक है। जल रिसाव को कम करने के लिए जो जल हमारे पास नदियों में उपलब्ध है, वो जमीन के अंदर जो चला जाता है वो हमारे लिए अनुपयुक्त हो जाता है, कई सालों में नीचे तक पहुँचता है, फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जल का रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित कर के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। आप देखोगे गांव में जो नाले बनाए जाते हैं उनको पक्का बनाया जाता है, नीचे से भी पक्के, ऊपर से भी, आसपास से पक्के, ठीक है, ऐसे नीचे लिंटर डाला जाता है और ऐसे आसपास से पक्के बनाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि भाई जमीन में के अंदर पानी का रिसाव कम हो, इसके लिए खेतों को सिंचित करने के वाली जो नहरें हैं, जो नहरें खोदी जाती हैं कि भाई खेतों में इन नहरों के माध्यम से पानी जाएगा, यमुना नदी के से जो पूरा पानी बहता है, ठीक है, उसका प्रयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है, और उसी सिंचाई से जो फसलें हैं वो प्रदूषित होती हैं। तो खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति, ठीक है, जो पानी रिस कर नीचे चला जाता है जमीन में और जो वाष्पीकरण हो जाता है, पानी उड़ जाता है, ठीक है, इससे जो क्षति होती है इसको रोकने के लिए स्प्रिंकलर की सिंचाई करना, ठीक है, स्प्रिंकलर से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकलर यानी कि आपने देखा होगा कई जगहों पर ऐसे पाइप आता है खेतों में और आने के बाद में ऐसा पाइप लगा दिया जाता है और ये ऊपर से ऐसे इस तरह से पूरा पानी फव्वारा टाइप से ऐसे छोड़ता है आसपास, पूरा फव्वारा टाइप से पानी निकलता है, तो इसे स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं। इसके माध्यम से सिंचाई करना काफ़ी अधिक, मतलब बताया गया है कि अगर आप खेतों में सिंचाई करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से कीजिएगा, इससे जल जो होगा वो बचता है, ठीक है, एक तो इसमें वाष्पीकरण कम होता है और दूसरा जमीन के अंदर रिसाव भी कम होता है। अगला, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप तथा टपकन विधि
बहुत उपयोगी होती है ये भी भाई, ये ड्रिप और टपकन विधि, इसको भी मतलब हम ऊपर से ही पानी देते हैं, इसमें भी पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें भी बचता है। ठीक है, सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। जो जल है, अगर हम सिंचाई की इन विधियों को अपनाएंगे, स्प्रिंकलर विधि हो गई, स्प्रिंकलर हो गई, ड्रिप विधि हो गई, इसके अलावा टपकन विधि हो गई, अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ही जल जो है संरक्षित रहेगा। ठीक है, बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अपने घर की छत पर वर्षा का जो जल है उसको एकत्र करके जल का संग्रहण करना, विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे कि आपके यहाँ पर जो पानी बरसात हो रही है, छत में जितना भी पानी वर्षा, आप उसे इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके माध्यम से गाड़ी को धुलिएगा, सिंचाई कीजिएगा, जानवरों को पिलाइएगा, कपड़े धुलिएगा, सफाई कीजिएगा, तो उसका उपयोग आप अलग अलग क्षेत्रों में ला सकते हैं। इससे भी जल को संग्रहण किया जा सकता है, ये वर्षा जल संग्रहण कहलाता है कि भाई आपके यहाँ पर जो भी पानी वर्षा, आपने उसे इकट्ठा कर लिया, फिर उसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया। औसतन 2 घंटे की बरसात 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अगर 2 घंटे बरसात होती है तो आप 2 घंटे में 8,000 लीटर जल को बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमें, अगला टॉपिक हमको मिलता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहां पर कहा जा रहा है, प्राकृतिक वनस्पति, अगर वनस्पति की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वन्य जीवन, ये कहाँ पर पाया जाता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडल, जैव मंडल कहा जाता है, जैव मंडल याद रखना। ठीक है, जैव मंडल, जिसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो ये आपका हो गया स्थल मंडल, ये आपका हो गया वायुमंडल, और इसके बाद में ये आपका हो गया जलमंडल। ठीक है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों हो गए। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों पाए जा रहे हैं, यहाँ पर इसे कहेंगे जैव मंडल, और इसी इलाके में प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसी इलाके में वन्य जीवन पाया जाता है। अब मान लो किसी स्थान पर स्थल है और जल है पर वायु नहीं है, तो आप वहाँ पर रह लोगे या पेड़ पौधे वहाँ पर रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे। किसी स्थान पर जल नहीं है, स्थल है और वायु भी है, तो आप वहाँ पर नहीं रहोगे। जीवन के लिए ये तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। ठीक है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं। कैसे निर्भर रहती हैं, इसको इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं, जैसे कि हम सभी लोग, जैसे कि जो शाकाहारी होगा वो किस पर निर्भर रहेगा, पेड़ पौधों पर निर्भर रहेगा। ठीक है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहेगा, पेड़ पर। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, हम शाकाहारी हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर रह सकते हैं। एक हिरण है, शाकाहारी है, वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहेगी। ठीक है, पेड़ पर। हिरण जो है, हिरण किसका भोजन होती है, शेर का भोजन होती है, शेर मांसाहारी है, तो शेर किस पर निर्भर है, हिरण पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कीड़े हैं। ठीक है, कीड़ों को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप। ठीक है, सांप को खा लेती है चील। अब चील को हम लोग मार के खा जाते हैं। ठीक है, मतलब इंसान जो है मार के खा जाते हैं। अब इंसान सब कुछ खाते हैं, तो जीवन जो है ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वही कहा जा रहा है जैव मंडल में सभी जीवित जातियां, जितने भी जीवित लोग हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब मान लो कि आप किसी पेड़ को नहीं खाओगे, आप उसके ऊपर निर्भर नहीं रहोगे, तो क्या आप जीवित रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। शेर मांस खाना बंद कर देगा, जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता है। सब एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती, इसी जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। चाहे आप वनस्पतियों को देखो, पेड़ पौधे, या फिर आप वन्य जीवन देखो, वन में रहने वाले या फिर आम इलाके में रहने वाले जो जीव हैं, ये बहुत बहुमूल्य संसाधन होते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे, इनसे हम अपनी इमारत बना सकते हैं। अगर आप अमेरिका वगैरह में देखो तो लकड़ी के घर बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, और पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु रहते भी हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में रहते हैं, और पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले होते हैं। आप
देखते हो तेंदुआ वगैरह पेड़ के ऊपर ही रहते हैं, और भी कई सारे जीव होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रदान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध के नहीं रखेंगी, और अगर पानी बरसेगा तो मिट्टी वहाँ से बह जाएगी, तो कृषि के लिए हमारे पास भूमि नहीं बचेगी। तो फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को भी सुरक्षित करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, जिसको हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। अच्छा, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता कैसे करते हैं? पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर तक जाती हैं, और जड़ों की सहायता से पानी पाताल में जाता है, ठीक है। भूमिगत जल जो होता है ये पूरित होता है जो पेड़ों की जड़ों की सहायता से नीचे आता है। हमें फल लेटेक्स लेटेक्स तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जंगलों से या फिर हम कहें कि वनस्पतियों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। फल प्राप्त होते हैं, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होती है जिसे हम लोग खाते हैं, वो लगाने वाली गोंद नहीं, वो भी प्राप्त होती है, बट ये गोंद दूसरी वाली है। कौन सी गोंद है? ये गोंद है खाने वाली, ठीक है। आप कभी घर पर पूछना, गोंद खाई भी जाती है, ठीक है। इसके अलावा औषधियाँ कई सारी प्राप्त होती हैं, कई सारे पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं, और पेड़ों से हम कागज भी बनाते हैं जिस पर आप पढ़ते हो। तो वनस्पति हमारे लिए बहुत अधिक लाभकारी है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। वन्य जीवन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो जंतु आ गए, ठीक है, जीव जंतु जिसकी श्रेणी में हम भी आते हैं, पक्षी आ जाते हैं, इसके अलावा कीट, कई सारे कीड़े आ जाते हैं, जलीय जीव भी वन्य जीवन में आते हैं कई सारे, ठीक है। उनमें हमें उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो वन्य जीव हैं, इनसे हमको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कीट जैसे मधुमक्खी, इससे हमको शहद प्राप्त होता है, फूलों के परागण में मदद करती हैं, फूलों के खिलने में मदद करती हैं, पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये पारितंत्र में भी अपघटक के रूप में भूमिका निभाती हैं और हमारी काफ़ी मदद भी करती हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं, ठीक है, अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। चिड़ियाँ जो है ये जैसे कि आपकी फसल में कीड़े लग गए, चिड़ियों को वहाँ पर ले जाओ, सारे कीड़े खाकर ख़त्म कर देंगी, उनका पेट भर जाएगा, आपके यहाँ के कीट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपघटक के रूप में कार्य कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, गिद्ध जो हैं मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको? अपमार्जक कहा जाता है। आप पहले होता क्या था, जानवर जब मर जाते थे तो ऐसे ही फेंक दिया जाता था, और गिद्ध आकर के उसको खा जाते थे, सारा का सारा साफ कर देते थे, गिद्ध सड़ा गला सब खा जाते थे ये गिद्ध, ठीक है। बिल्कुल आपको एक बूंद भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पर गिद्ध पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं गिद्ध भोज, गिद्ध भोज में कुछ भी गिद्ध छोड़ते नहीं है, सड़ा गला सब खा जाते हैं, ठीक है। तो गिद्ध जो है, आज गिद्ध आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट गिद्ध, अच्छा गिद्धों की मृत्यु क्यों हुई है अभी यहां पर समझते हैं। गिद्ध जो है ये सड़े गले मतलब मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी हैं। अब अगर वो जानवर पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, गलेगा, महकेगा, 50 बीमारियां फैलाएगा, कीड़े फैलाएगा। गिद्धों ने अगर खा लिया तो ये एक महत्वपूर्ण शोधक के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अपना बनाए रखने के लिए अनिवार्य। देखो कोई भी जीव हो, कीड़े हों, आप जो कीड़ा जैसे कि मधुमक्खी है, ठीक है, आपको शहद प्रदान करती है, चिड़िया आकर मधुमक्खी को खा जाती हैं बहुत बड़ी मात्रा में अगर मधुमक्खी होंगी, आप कीड़े हैं फूलों का परागण करवाते हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में हो जाएंगे तो चिड़ियाँ आकर उनको खा जाएंगी, बड़ी मात्रा में अगर फूलों का परागण करवाएंगे फूल ही खाकर चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर चिड़ियाँ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम देंगे। तो चिड़ियों को खाने के लिए अलग प्रकार की चिड़ियाँ होती हैं, सांप वगैरह उनको खा लेते हैं, बैठा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो हर चीज़ को ख़त्म करने का कोई ना कोई भगवान ने सोल्यूशन बना करके रखा हुआ है। अब आप कहोगे मनुष्य, तो मनुष्य की संख्या बढ़ती जाती है, प्रलय आती है, खत्म हो जाता है, ठीक है, कोई बीमारी फैल जाती है। हर चीज आवश्यक है इस पारितंत्र में, और हर चीज संतुलित होकर के रहे तो ही अच्छा है, ठीक है। गिद्ध भी आवश्यक है, चिड़ियाँ भी आवश्यक हैं, कीट भी आवश्यक हैं, वन्य जीव भी आवश्यक हैं, पेड़ पौधे भी आवश्यक हैं। अब आपको कि हिरन तो इतना सीधा साधा जीव है, अगर हिरन बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे
तो उनको चाहिए होगी घास और पेड़ पौधे। ऐसे में नए पेड़ पौधों को वो उगने ही नहीं देंगे, जैसे उग के आएंगे वो सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे। अब कोई नया पेड़ पौधा ही नहीं उगेगा, इससे समाज में या फिर कहें कि वन में अफरा तफरी फैल जाएगी, धीरे धीरे पेड़ समाप्त होने लगेंगे। जब पेड़ समाप्त होने लगेंगे इसलिए बनाया गया शेर ताकि उस हिरण को खाकर समाप्त करे, तो पेड़ नए उग करके आ सकें। और पेड़ बहुत ज़्यादा ना हो जाएं इसके लिए हिरण को बनाया गया कि हिरण इन पेड़ों को खाकर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, एक मिनट, हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इब्रूफेन जैसी पीड़ानाशी से किया जाता है, मतलब ये जो दवाइयाँ होती हैं ये दर्द को कम करती हैं, दर्द वाली दवाइयाँ होती हैं, एक आपकी डिक्लोफिनेक हो गई, एक एस्प्रिन हो गई, एक हो गई इब्रोप्रोफेन, ठीक है, ये पीड़ानाशी दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से जिन जानवरों का इलाज किया जाता था उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते थे। देखो, अगर कोई सड़ा गला जीव है, गिद्ध खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये इन दवाइयों से जानवरों का इलाज किया जाता है और वो जानवर नहीं बच पाता है, तो ये दवाइयाँ जो होती हैं जानवर के शरीर के अंदर ही रहती हैं, वो निकल नहीं जाती हैं, और उसे जब हम ऐसा खुले में फेंक देते हैं तो गिद्ध आकर उसे खाते हैं। जब उसे खाएंगे तो उसके साथ साथ वो दवाइयाँ भी गिद्ध के पेट में जाएंगी और वो दवाइयाँ गिद्ध की किडनी को फेल कर देती हैं, ठीक है, और किडनी फेल करने के बाद में गिद्धों की धीरे धीरे मृत्यु हुई। ऐसे बहुत बड़े लेवल पर गिद्धों की मृत्यु हुई, आज आपको गिद्ध देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम एरिया ऐसे बचे हैं जहाँ पर गिद्ध बचे हुए हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं, आज भी प्रयास किए ही जा रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में गिद्धों मतलब कि मृत्यु हुई है, लगभग समाप्त हो गए, इसके बाद भी प्रयास किया जा रहा है कि इन चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है। तथा आरक्षित स्थान पर गिद्धों के प्रजनन का प्रयास किया जा रहा है, हम कुछ आरक्षित स्थान रखे गए जहाँ पर गिद्धों का प्रजनन किया जाए, गिद्धों को जन्म दिया जाए ताकि गिद्ध बिल्कुल समाप्त ना हो, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पारितंत्र के लिए बहुत आवश्यक हैं, ठीक है। आज तो मतलब हम सफाई कर देते हैं, मान लो कि हम नहीं रहे तो अपमार्जक कौन बनेगा, गिद्ध तो चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पतियाँ जितनी भी हैं उनकी वृद्धि जो है, वनस्पति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पेड़ पौधा उन्नति मतलब बड़ा होगा नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान कैसा है और वहाँ की आर्द्रता अर्थात वहाँ का जलवाष्प, जमीन में जल, वहाँ की आर्द्रता कितनी है, ठीक है। आर्द्रता के बारे में हम पिछले अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 7 में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने इक्वेटर पे देखा था, अमेजोन के जंगलों के बारे में पढ़ा था कि अमेजोन के जंगलों में बहुत अधिक पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है और तापमान भी अच्छा खासा रहता है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जितनी भी विश्व में वनस्पतियाँ पाई जाती, पेड़ पौधे पाए जाते, इनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया, जिसे हम 4 वर्ण देखते हैं, ऐसे यहाँ पर 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? एक हो गए वन आपके, दूसरे घास स्थल हैं, तीसरा गुल्म मिलता है, तीसरा मिलता है टुंडा, ठीक है, टुंड्रा। ये अगर आप इनको पढ़ोगे तो क्लास 9th में इनके बारे में डिटेल में बताया गया, क्लास 7 में एक चैप्टर था पहले, अब उस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लेना, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा उस चैप्टर का, बट अभी वो चैप्टर सिलेबस में नहीं रह गया, तो इसके बारे में आपने डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे उग जाते हैं, और इस प्रकार वन प्रचुर जल, इस प्रकार वन, हाँ, जब बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे तो वहां पर वन बच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर प्रचुर जल आपूर्ति होगी, अर्थात जल अधिक पाया जाएगा। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती, आर्द्रता कम होती जाती, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। जहाँ पर जल ज़्यादा होगा वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जहाँ पर जल कम होगा वहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे, वहाँ के वन जो होंगे आपको सघन देखने को मिलेंगे, घने वन देखने को नहीं मिलेंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है वहाँ पर छोटे आकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और वहाँ पर घास ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे विश्व के
घास स्थलों का निर्माण होता है भाई, हर स्थान पर बहुत अधिक वर्षा होगी तो हर स्थान पर जंगल ही जंगल होंगे, घास स्थल नहीं होंगे। तो कुछ स्थान ऐसे भी होने चाहिए जहाँ पर कम वर्षा हो, तो ऐसे स्थानों पर घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुलमुक्ते, ऐसे प्रदेश जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है, और शुष्क प्रदेश हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके, तो वहाँ पर क्या होगा, कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। कंटीली झाड़ियाँ क्यों, क्योंकि कंटीली झाड़ियाँ जो होती हैं इनमें से पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, पानी वाष्पित बहुत कम होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं इनसे पानी का वाष्पन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन जब कंटीली झाड़ियाँ होती हैं तो उनमें जिन भी पेड़ में आप कांटे देखो वो कम पानी में उगने वाले पेड़ हैं। जिस भी पेड़ में आप कांटे देखो वो समझ लो कि वो पेड़ जो है कम पानी में चल जाएगा, और जिस पेड़ में कांटा नहीं होगा वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कंटीली झाड़ियाँ कांटे वाले पेड़ जो होते हैं कम शुष्क प्रदेशों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेर का पेड़ है तो उसे कम पानी दो वो चल जाएगा, ठीक है। नींबू का पेड़ है, इसे बहुत कम पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बेल का पेड़ होता है, कम पानी चाहिए होता है। कैक्टस का पेड़ होता है, कम पानी चाहिए होता है, ये कम पानी में उगने वाले पेड़ हैं। ऐसे गुल्म भी होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, ठीक है। जहाँ पर कम वर्षा होती है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं जहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। तो जिन वही हमने जो भी आपको बताया, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, जलवाष्प को कम करने के लिए इन पेड़ों पर जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं और मोमी सतह पाई जाती है, यानी कि सतह पर मोम की लेयर आपको देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, तने जो होते हैं तने पर मोम की लेयर पाई जाती है, पत्तों पर मोम की लेयर पाई जाती है, ताकि जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, ठीक है। जल, जैसे कि आप किसी पेड़ को एक पॉलीथिन में कैद कर दो तो उसमें जितना भी वाष्पोत्सर्जन होगा वो पॉलीथिन के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से पेड़ के ऊपर मोम की लेयर होती है, तो मोम की लेयर होने की वजह से वो पानी पेड़ से बाहर नहीं निकल पाता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो पाता है, ठीक है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में जो शीत इलाके होते हैं, ध्रुवीय इलाके होते हैं, जिनके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 7 में भी, तो ऐसे ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पतियाँ मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं, ठीक है। वहाँ पर टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसमें मॉस और लाइकेन ये दो एग्जाम्पल दिए गए वनस्पतियों के सम्मिलित हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया जाए। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती, इनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो पेड़ पौधों को आश्रय प्रदान करते, एक मिनट, पौधे जो हैं जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जितने भी पौधे आप देखोगे, हर पौधे जंतुओं, जैसे कि आप देख रहे हैं चिड़ियों को आश्रय प्रदान करते हैं, कई सारे सांपों को आश्रय प्रदान करते हैं, पेड़ों की डहनियों में कई सारे कीड़े लगे रहते हैं, कीड़ों को आश्रय प्रदान करते हैं, और साथ ही पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। पारितंत्र को सुरक्षित रखने में पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या कोई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो पेड़ पौधे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो, इनडायरेक्टली हम सभी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कैसे, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके पेड़ों ने अपना भोजन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करके भोजन बनाया, पेड़ बड़े हुए, पेड़ों को खा लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मान लो कि हम पेड़ नहीं खाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे शाकाहारी नहीं है, तो पेड़ों को खाया हिरण ने, हिरण को खा लिया किसने, हिरण को खाया शेर ने, ठीक है, तो मांसाहारी हो गया। अब मान लो कि भाई हम शेर नहीं हैं तो हम हिरण नहीं खाते हैं, तो पेड़ों से प्राप्त हुआ जो फल होगा उसे खाएगा मुर्गा या बकरी, और बकरी या मुर्गा को खाया आपने। हम इनडायरेक्टली सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा है जिसे पेड़ों ने ली, पेड़ों से जंतुओं ने ली, जंतुओं को हमने खा लिया, ठीक है। सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, बट वो तरीका अलग है, पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है, एक पारितंत्र बन गया, ठीक है। तो जो पौधे होते हैं वो जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं, यानी कि सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण, जब जब जलवायु में परिवर्तन होगा, मान लो कि आज आपके यहाँ पर पानी बहुत तेज बरस रहा है तो आपके यहाँ पर वन पाए जाते हैं, पानी बरसना बंद हो जाए, धीरे धीरे जंगल नष्ट हो जाएंगे, वन नष्ट हो जाएंगे, तो जलवायु में परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण आपके यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे, आपने सारे पेड़ पौधे काट डाले और काट कर उस लकड़ी का प्रयोग कर लिया, तो इसकी वजह से पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं,
ठीक है। जंगल तो बहुत सारे इंसानों ने काट डाले, जैसे कि अमेजोन बेसिन वाला अगर आप जंगल देखोगे तो वो लगभग 80% काट डाला गया है, ठीक है। तो इसे किसने काटा है? तो वहाँ पर भाई जलवायु परिवर्तन तो हुआ नहीं, वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप की वजह से जंगलों को काट डाला गया है। बहुत सी जातियाँ सुरक्षित अथवा असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं ठीक है जो कि असुरक्षित हो चुकी हैं। जैसे कि आप देखोगे हम सभी लोग किसका प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, तेल का किसका प्रयोग करते हैं, रिफाइंड का प्रयोग आजकल बहुत किया जा रहा है। आप चाहे जिस दुकान पर चले जाओ समोसा खाने के लिए, मोमोज खाने के लिए, हर व्यक्ति रिफाइंड का प्रयोग कर रहा है। अच्छा जो रिफाइंड है ये अधिकतर किससे बनती है? पाम ऑयल से बनती है। इससे पाम ट्री को काट दिया गया, बहुत सारे पाम ट्री काट दिए गए, और पाम ट्री जो थे, पाम ट्री के जो जंगल थे वहाँ पर गोरिल्ला बहुत बड़ी मात्रा में रहते थे। अब जब पाम ट्री के जंगलों को नष्ट कर दिया गया तो वहाँ पर गोरिल्ला भी नहीं रह पाने लगे, ठीक है। अब जैसे जंगलों को नष्ट करते हैं तो जंगलों में रहने वाले जो शेर चीता होते हैं वो इंसानी बस्ती की ओर भागकर आते हैं। तो जैसे जैसे हमने जंगलों को नष्ट किया तो जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो थे वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गए, ठीक है। कई बार तेंदुआ चीता ये गांव में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपने उनके जंगल काट डाले, उनका रहने का स्थान रहने गया। अब जब उनको रहने को नहीं मिल रहा तो वो आपके यहाँ पर आएंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे भाई, उनको जीवन मिला है तो वो आपके यहाँ पर आ जाते, गांव में आ जाते, मानवीय बस्ती में जाते। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित और संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं, जैसे कि गिद्ध है लुप्त होने के कगार पर आ चुका है। आप देखो हमारे यहाँ पर तेंदुआ जो है उनको बाहर से लाया गया है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लुप्त होने के कगार पर आ गए थे, शेर लुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। तो ऐसे जब हम उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे वो भी नष्ट होने लगते हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन निर्माण कार्य, हाँ वनोन्मूलन अर्थात वनों को काटना, मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव होना, निर्माण कार्य दावा नल और भूस्खलन, ठीक है, बहुत सारे निर्माण कार्य कर देना, भूस्खलन हो जाना, इससे कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं। एक मिनट, भूस्खलन में से, हाँ इन सभी में से वनोन्मूलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, निर्माण कार्य हो गया, दावानल हो गया, निर्माण कार्य दावानल हो गया, भूस्खलन हो गया, इनमें से कुछ तो हैं मानवीय कारक, ठीक है, और कुछ प्राकृतिक कारक है जो मिल करके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि वनों को काटना हो गया, ये मानवीय कारक है, मृदा अपरदन हो गया, ये प्राकृतिक कारक है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भूस्खलन जो है ये प्राकृतिक कारक है, निर्माण कार्य जो होता है ये कैसा है, ये आपका मानवीय कारक है। तो मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक ये मिल करके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे हमने पेड़ पौधों को काट डाला, फिर भूस्खलन भी होगा, मृदा अपरदन भी होगा, इनडायरेक्टली मानव की वजह से ही हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक कारक इसे कहा जाएगा। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारक कहा जाएगा, भूस्खलन प्राकृतिक कारक कहा जाएगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन कौन है? मानव है, ठीक है, मानव है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक है अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, ठीक है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। देखो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके शिकार पर बैन लगाया गया गवर्नमेंट ने कि आप इनका शिकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी अनाधिकार मतलब अधिकार ना होने के बाद भी उन जानवरों का, उन पशुओं का शिकार किया जाता है, ठीक है। इससे क्या है कि आज के टाइम पर यह मुख्य चिंताओं का विषय बन चुका है, ठीक है। कुछ खास प्रजातियां हैं, कुछ खास प्रकार की चिड़ियां हैं जिनका काफी बड़ी मात्रा में जिनको पकड़ लिया है, तोते हैं पकड़ लेते हैं लोग, ठीक है, एक हमिंग बर्ड चिड़िया आती थी, ठीक है, उसे लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में पकड़ कर पाला है, खरगोश को पाल लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे जंतु जैसे कि तेंदुआ है, जैसे कि चीता है, इनको मार दिया जाता है इनकी खाल को बेचने के लिए, मगरमच्छ हैं इनको मार दिया जाता है इनकी खाल को बेचने के लिए, खाल का प्रयोग करने के लिए, कछुओं को मार दिया जाता है, तो ठीक है। और ऐसे कई सारे विदेशी पक्षी भी होते हैं जिनको उनकी जिनको सिर्फ अपने स्वाद के लिए मार देते हैं। तो कई सारे ऐसे मतलब अनाधिकार शिकार जो हो रहा है, कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, किस वजह से? इनके शिकार की वजह से। जैसे कि आप देखो गेंडा जो पाया जाता है, गेंडे के नाक पर एक सींग निकलता था, ठीक है, अब उस सींग की वजह से लोग गेंडे को मार देते थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सींग बहुत अधिक मार्केट में उसकी वैल्यू थी। हाथी को मार देते हैं हाथी का दांत लेने के लिए, तो ये अनाधिकार शिकार है, नहीं मारना चाहिए, बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी इनको मारा जाता है, शिकार किया जाता है। कुछ खास प्रजातियों की संख्या में इस वजह से कमी आ रही है, पशुओं की खाल के लिए, चमड़ा के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, ठीक है, और पंखों के लिए,
ठीक है, जैसे कि साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो चमड़ा के लिए, ठीक है, हम देखते हैं मगरमच्छ को मार दिया जाता है अच्छा चमड़ा बनाने के लिए, उसकी खाल से अच्छा चमड़ा बनता है। ठीक है, पशुओं की खाल ले जाते हैं, चीते की खाल ले जाते हैं, हिरन की खाल ले जाते हैं, हाथियों के दांत ले जाते हैं, मोर के पंख ले जाते हैं। ठीक है, और अगर आप देखो तो एक गेंडे का जो सींग होता है वो तोड़ कर ले जाते हैं। ठीक है, एक सींग निकलता है उसके नाक पे बहुत भयंकर होता है, उसको ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो इसके लिए जंतुओं का बहुत शिकार किया गया, इनमें से कुछ जंतु चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बग है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा है, इसकी खाल के लिए इसको मार देते हैं, हिम तेंदुआ है, शुतुरमुर्ग है और मोर है, मोर को मोर पंख के लिए मार देते हैं। तो इन सभी जानवरों को मार दिया जाता है। ठीक है, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है कि भाई हम लोगों को बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है जागरूकता बढ़ाकर, लेकिन लोग जागरूक नहीं होते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। वैसे हम जागरूकता बढ़ानी चाहिए, आप भी जागरूक रहो कि इन चीज़ों का, इन सभी का शिकार ना करें, क्योंकि अभी आपने देखा ये सभी कितने आवश्यक हैं हमारे पारितंत्र के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैविक निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्या राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर शिकार वगैरह करना मुझ क्या होता है, बैन होता है, आप जा नहीं सकते। वन्य जीव अभयारण्य हो गया, जैविक निचय हो गया, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी भेजे जाते हैं ना, वो खुद शिकार करने लगते हैं, जंतुओं को मार लेने लगते हैं। ठीक है, हाथी का दांत चुराने लगते हैं, ऐसा कई बार देखा, कई सारे अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं कि भाई आपको बिल्ली, कहते हैं ना कि बिल्ली को दूध की मलाई रखाने के लिए बैठाया गया और बिल्ली दूध की मलाई खुद खा गई। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है। वैसे ये तीन चीज़ें जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल नीचे, ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें संकरी घाटियाँ, झीलों और अर्धभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, संकरी घाटियां हैं, झीलें हैं और आर्द्रभूमि का संरक्षण, इसका संरक्षण करना चाहिए इन तीनों चीज़ों का, ताकि मूल्यवान संसाधन को नष्ट होने से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उसके व्यापार के विरुद्ध हैं। ठीक है, भारत शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारने पर यहाँ पर अवैध है, मतलब इसे आप नहीं मार सकते, बैन लगाया गया इन सभी जानवरों पर। आप शेर को नहीं मार सकते, चीता नहीं मार सकते, हिरण नहीं मार सकते, सारंग एक पक्षी, सारंग एक है उसे आप नहीं मार सकते, मोर है इसे आप नहीं मार सकते। तो ये कुछ हैं जीव जिनको आप नहीं मार सकते, यहाँ पर भारत ने बैन है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जिसको नाम दिया गया CITES, ठीक है, CITES इसको नाम दिया गया, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, द कन्वेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है, इसे शॉर्ट में CITES कहा जाता है, आप चाहो तो इसे फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना, हमने हिंदी में लिख दिए ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, जो हिंदी माध्यम के लोग होते हैं वो इंग्लिश थोड़ा कम पढ़ पाते, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसे हिंदी में लिख दिया था। इसकी स्थापना की गई जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की जा सके। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या कहा जा रहा है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज, यानी कि जो डेंजर स्पीसीज हैं, जो लुप्त होने के कगार पर आ गई स्पीसीज हैं, उनके ट्रेड यानी कि व्यापार पर बैन लगाया जा सके। ठीक है, बैन लगाया जा सके, इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, ये संस्था क्या करती है, इस संस्था का काम ये है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, इसका काम ये है कि दुनिया में ऐसे पक्षी या फिर ऐसे जीव जो लुप्त होने के कगार पर हैं उनको चुना जा सके, उनकी एक सूची तैयार की जा सके और उसके ऊपर विश्व व्यापार में क्या व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य होता है, हमारा भी है, आपका भी है। ठीक है, देखो मैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत लगाता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं तो मैं 1,00,000 पेड़ों को लगाऊँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर होता है मैं कर पाता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है,
ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यही सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय, सरकारों का अर्थ है अलग अलग देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य एक है, ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा ना हो। ठीक है, जैसे कि एक पक्षी है हमिंग बर्ड, इसका व्यापार नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत कम पक्षी बचे हुए हैं, और इनका अगर व्यापार होगा तो इनकी जो बची हुई जातियां हैं, बची हुई प्रजातियां बची हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो नष्ट होने के कगार पर आ गए हैं, तो इनका व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसे बनाया गया है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं, इनको रक्षित किया गया है। अब आप देख सकते हो कि पशु 5,000 से अधिक हैं, 5,000 से अधिक जातियां हैं और 28,000 से अधिक जातियां हैं पौधों की, ठीक है, इनको रक्षित किया गया है। भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, प्रवाल हैं, इसके अलावा आर्किड है, एलो है, ये कुछ उदाहरण हैं जिनका व्यापार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैव मंडल नीचे इसको भी समझो, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है जिसे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अच्छा, ये जो टॉपिक आप समझ रहे हो, ये वाला टॉपिक चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, मैंने इसे ऐड किया है दोबारा, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको रख लिया, वैसे रिमूव हो चुका है टॉपिक। ठीक है, यही वाला एक टॉपिक, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला टॉपिक, ये वाला पूरा, ये रिमूव कर दिया गया है। ये पूरा रिमूव नहीं, इसका कुछ पोर्शन इसका रिमूव किया गया है, मैंने इसको रख लिया। अच्छा, जैव मंडल नीचे किसे कहते हैं, तो ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। ठीक है, कि भाई ये रक्षित क्षेत्र हैं कि इनकी एक श्रृंखला जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से स्थापित किया गया, फिर बनाया गया। किसके इरादे से, संरक्षण और विकास के बीच में संबंध स्थापित किया, जो भी मतलब जो भी ऐसे इलाके हैं, जो भी मतलब कुछ ऐसे इलाकों को संरक्षित किया जाता है जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के, ठीक है, विशेष प्रकार के जीव, विशेष प्रकार के जंतुओं को वहाँ पर संरक्षित और उसका विकास करवाया जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, मतलब एक प्राकृतिक क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए और वर्तमान की पीढ़ी के लिए भी जीव बचे रहें, तो उनके लिए ये राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया जाता है जिसमें मतलब शिकार करना वगैरह जो है बैन रहता है, वहाँ पर जाना आना बैन रहता है। ठीक है, वहाँ पर मतलब आरक्षित क्षेत्र आप कह सकते हो, उसे तैयार किया जाता है आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक थे जिन्हें हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें, हमारे चैनल पर क्लासिक से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बट याद रखना, क्लासेस फ्री में है, नोट्स फ्री में नहीं है, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।